Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss the basic difference between the genetic algorithm and traditional algorithm. Genetic algorithm और traditional algorithm में क्या difference है, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि genetic algorithm क्या है। वैसे हम already definition को discuss कर चुके हैं, यहाँ पर हम क्योंकि difference हमें पता करना है तो फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि genetic algorithm की definition क्या है। तो genetic algorithm is used to find the optimal solutions for different problems. जो genetic algorithm है उसका basic purpose क्या है कि जो difficult problems हैं जिनको solve करने में बहुत ज़्यादा system को time लगता है या जिनको solve नहीं किया जा सकता उनका एक approximate solution develop करना किसके basis पर बहुत सारे solution उसके जो approximate हो सकते हैं वो drive करना और उनमें से फिर optimal solution drive करना। तो हम क्या करते हैं जो difficult problems होती हैं उनके जितने भी possible approximate solution हो सकते हैं पहले वो निकालते हैं और उसके बाद उन पर हम genetics का जो concept है और evaluation का जो concept है वो apply करते हैं जिसके बाद वो हमें क्या करते हैं एक optimal solution देते हैं। तो genetic algorithm क्या करता है optimal solution निकालता है कि इनका difficult problems का, ठीक है, from a set of solutions में से। जबकि जो आपकी simple algorithm होती है traditional algorithm उसमें हम क्या करते हैं जो आपकी traditional algorithm है उसमें हम किसी एक given problem को किस तरीके से solution उसका निकालना है उसकी step by step procedure को हम पढ़ते हैं। तो traditional algorithm क्या है, it provides a step by step procedure to solve a given problem. It may be difficult problem, it may be a single problem. इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ complex problem के लिए use की जाए और इसमें एक single solution हम step by step तरीके से बताते हैं किस तरीके से solution निकलेगा। जबकि जो genetic algorithm है इसमें हम किसी भी जो difficult problem या complex problems हैं या जिनको solve नहीं किया सकता उनके हम पहले number of solution जो possible approximate solution हो सकते हैं वो निकालते हैं फिर उनमें से हम optimize solution drive करते हैं जो optimize हो सकता है। दूसरा जो difference है कि genetic algorithm हम जो use करते हैं we used in the artificial intelligence, machine learning and research fields। जबकि जो traditional algorithm है वो आप जैसे जानते हैं कि हम mainly programming में और mathematics में हम use करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, used in the programming as well in the mathematics। अब थर्ड जो डिफरेंस है वो ये कहता है कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम इट इज़ ए एडवांस टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है जो हम लेटेस्ट आज की डेट में पढ़ रहे हैं जो हमें मशीन लर्निंग या रिसर्च फील्ड में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। जबकि ट्रेडिशनल एल्गोरिथम क्या है आपकी वो एडवांस नहीं है, दैट इज़ द बेसिक एल्गोरिथम जो हम ट्रेडिशनल काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं जब से हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना का प्रोसेस सीखा है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये कहते हैं इट वर्क्स ऑन ए पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट टू सर्च बेस्ट सॉल्यूशन अमंग देम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट वर्क्स ऑन ए पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट, पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट का मतलब मल्टीपल पर्संस का मतलब अगर हम मैथमेटिकली देखें सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस पे वर्क करता है, मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे वर्क करता है। किस पर्पस के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि बेस्ट सॉल्यूशन उनमें से कौन सा है। तो ये खाली एक सिंगल पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल पॉइंट पे, पॉपुलेशन पॉइंट पे, मल्टीपल सॉल्यूशन पे वर्क कर रहा है जिससे कि उसमें से आप ड्राइव कर सके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। जबकि जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है उसमें क्या होता है किसी एक सिंगल प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है और उसका एक सिंगल सॉल्यूशन ही हम निकाल रहे होते हैं। तो ये क्या है, इट वर्क्स ऑन ए सिंगल पॉइंट टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम का सिंगल पॉइंट तरीके से एक ही तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालें फिर उसमें से ऑप्टिमाइज देखें, नहीं, एक चाहे वो डिफिकल्ट सॉल्यूशन निकले चाहे वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकले या नॉन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकले हम एक सिंगल प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन निकालेंगे इसमें ट्रेडिशनल एल्गोरिथम में। लास्ट पॉइंट जो है इट मेक्स यूज ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स, क्योंकि जब इसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन मैंने क्या बताया सॉल्यूशन आपके जो हैं मल्टीपल सॉल्यूशन दे कैन बी द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, दे कैन बी द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल हैं जैसे एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, पीएनपी हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं उनके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस को जब हम निकालेंगे तो हमें प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जेनेटिक एल्गोरिथम आपकी प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स का यूज़ करती है जबकि ऐसा नहीं है किसकी इसमें ट्रेडिशनल एल्गोरिथम में। ट्रेडिशनल एल्गोरिथम एक फिक्स रूल सेट ऑफ रूल्स पे वर्क करती है जो कि डेटर्मिनिस्टिक होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हों। इट मेक्स यूज ऑफ द डेटर्मिनिस्टिक रूल्स। जो फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो करती है आपकी ट्रेडिशनल एल्गोरिथम। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस विच आर समटाइम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि जेनेटिक एल्गोरिथम और ट्रेडिशनल एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।